एक्शन कमीशन बीजेपी का टट्टो बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक्शन कमीशन बीजेपी का माउथ पीस बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आई डू यू वांट टू रिग द पोल्स? डू यू वांट टू रिग द पोल्स? और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठबंधन है, नेक्सस है, और दोनों मिलके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो भाजपा का टट्टू बनी है आज की तारीख में। जम्मू कश्मीरी लोग तो बहाल ही नहीं करना चाहते, इसलिए हम यहाँ लोग आए हैं। लेकिन जो 25 लाख वोट की बात करते हैं वो कहां से आएगा? वो कौन सा चिराग है इनके पास अलादीन का, घिसेंगे तो 25 लाख वोटर आएगा? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इलेक्शन को रिग करने की कोशिश कर रहे हो, हालात खराब करोगे जम्मू कश्मीर के अंदर। 70 लाख सारा वोटर है, 25 लाख कहां से आएगा ऊपर? अभी कहां से आएगा इतनी बड़ी रेशो? इसका मतलब आप इंपोर्ट करेंगे वोटर्स, फेक वोटिंग करवाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, 1987 वाले हालात पैदा करेंगे। इलेक्शन क्यों नहीं हो? क्योंकि भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, इस इलेक्शन नहीं हो रही। आपको यहाँ पर ये करने के लिए बुलाया गया था जो 20 से 25 लाख वोटर शामिल हो रहे हैं उस पर बातचीत की जाए, लेकिन आते हुए किस तरह का रोष था ये इसके बारे में बताइए। 20-25 लाख वोटर एग्जिस्ट नहीं करता है। आप यहाँ पर वोटिंग डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हो, साफ लग रहा है कि आप इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर करवाना नहीं चाहते हो। भाजपा जानती है कि जम्मू कश्मीर उनका सुपड़ा साफ हो चुका है, अब 1987 वाले हालात बनाए जा रहे हैं। डू यू वांट टू रिग द पोल्स? डू यू वांट टू रिग द पोल्स? और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठबंधन है, नेक्सस है, और दोनों मिलकर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो भाजपा का टट्टू बनी है आज की तारीख में। जम्मू कश्मीरी लोग तो बहाल ही नहीं करना चाहते, इसलिए हम यहाँ लोग आए हैं ताकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर जल्दी से जल्दी विधानसभा के चुनाव हो, लोकतंत्र बहाल हो। एक सवाल मेरा रहेगा, जैसे यहाँ से भाजपा के लीडर सतपाल शर्मा जी जो पहले एंट्री किए, उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा है कि यहाँ पर जिस तरह से रिवाइज किया जा रहा है पोल्स को, लेकिन आप क्या मानते हैं ये जनगणना सही है? 2011 के सेंसिस को लेकर जो है यहाँ पर दोबारा से जो है उसको रिकैलकुलेट किया गया? देखिए नहीं नहीं, 2011 की जनगणना पे तो आपका डिलिमिटेशन कमीशन भी हुआ है, उसे वो दैट इज सेपरेट इशू। होना तो 2021 का ऊपर होना चाहिए था, पर जो 2011 का बेस बनाया है उन्होंने उसी हिसाब से डिलिमिटेशन भी हुई है। लेकिन जो 25 लाख वोट की बात करते हैं वो कहां से आएगा? वो कौन सा चिराग है इनके पास अलादीन का, घिसेंगे तो 25 लाख वोटर आएगा? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इलेक्शन को रिग करने की कोशिश कर रहे हो, हालात खराब करोगे जम्मू कश्मीर के अंदर। और जम्मू का देखिए, जम्मू में हम लोगों का अस्तित्व आप मिटाने की कोशिश कर रहे हो, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी आप मिटाने की कोशिश कर रहे हो। भाजपा कहती है 370 और 35 को खत्म ही इसके लिए किया गया था कि सबको जो है वो इक्वल किया जाए। देखिए हम ये कभी नहीं कहते, वी वर नॉट अगेंस्ट द एब्रोगेशन ऑफ 370, लेकिन अभी भी लैंड और जॉब की प्रोटेक्शन हम लोग डिमांड करते हैं। जम्मू कश्मीर में आज भी जो लैंड की और जॉब्स की प्रोटेक्शन लोकल्स के लिए होनी चाहिए। जहां पर आप ये इलेक्शंस की बात कर रहे हो, जो 25 लाख वोटर है जिसकी आप बात करते हो, ये किसी कानून में नहीं लिखा, ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 को भी स्टडी करो, इसको मिस इंटरप्रेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर। आम आदमी पार्टी ऐसा होने देगी कि 20 से 25 लाख वोटर? कदापि नहीं, कहां से होंगे? 70 लाख सारा वोटर है, 25 लाख कहां से आएगा ऊपर? अभी कहां से आएगा इतनी बड़ी रेशो? इसका मतलब आप इंपोर्ट करेंगे वोटर्स, फेक वोटिंग करवाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, 1987 वाले हालात पैदा करेंगे। इलेक्शन क्यों नहीं हो? क्योंकि भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, इस इलेक्शन नहीं हो रही। ईसीआई जो है वो टट्टू है, बीजेपी के हाथ में टट्टू है, वो नहीं चाहते जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो, इसलिए ये कारण है। आप डिले और डिनाई कर रहे हो। आपने यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराई, रूरल लोकल बॉडी के इलेक्शन कराई, पार्लियामेंट के इलेक्शन कराई, विधानसभा की क्यों नहीं करा रहे आप इतनी देर से? डिलिमिटेशन कब का हो चुका है? अभी अक्टूबर नवंबर इलेक्शन होनी थी, क्या कारण रहा कि आपने इसको प्रोक्रास्टिनेट किया, आगे पोस्टपोन किया? क्या रीजन है? क्या लगता है क्या रीजन हो सकते हैं? रीजन ये है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, बीजेपी जो है इलेक्शन कमीशन से मिलकर इलेक्शन को डिले एंड डिनाई कर रही है, सिंपल एज दैट। आयशा, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू यू नो काइंड ऑफ इंटरप्रेट व्हाट बीजेपी वांट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। बीजेपी हैज ऑलरेडी यू नो काइंड ऑफ क्रिएटेड अ हैवक इन जम्मू एंड कश्मीर, नाउ बाय डाइवर्टिंग डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर दे आर मेकिंग थिंग्स बैड फ्रॉम वर्स। अगर सब पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज इसका विरोध कर रही है, एकमात्र भाजपा ही है जो इसका समर्थन कर रही है। भाजपा तो करवा रही है तो समर्थन तो करेगी जी, भाजपा तो करवा रही है ये काम तो समर्थन तो करेगी। समर्थन वो लोग नहीं करेंगे जिनको पता है गलत हो रहा है, और हमें मालूम है गलत हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आए। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक दिलवा के रहेंगे, इलेक्शन होंगी और ढंग से होंगी, प्रॉपर इलेक्टोरल रोल्स बनेंगे। ये 25 लाख का ड्रामा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐड को प्राइशा, दे डोंट एग्जिस्ट। ये भूतिया वोटर है, या तो ये भूतिया वोटर है या इंपोर्ट होके आएगा, या तो ये भूतिया वोटर है या इंपोर्ट होके आएगा। दोनों सूरतों में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चाहती है इलेक्शन को रिग किया जाए, रिग। हलचल हुई है तभी आपको यहाँ पे बिल्कुल
बिल्कुल ये बेईमान भाजपा का जो छुपड़ा साफ है जम्मू कश्मीर के अंदर, और जब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक तो लोगों को उनका हक और इंसाफ नहीं मिल जाता। उदरा शर्मा जी इतनी सारी शांति पे दी तो साए थे अल्लाह खेड़ा। देखो ये भारतीय जनता पार्टी की जड़ी बुखलाट है वो सामने आवा कर दी है। केड़ी बुखलाट? जड़े 5 लाख वोटर तो से बुखलाट। देखो जड़े 5 लाख वोटर बारा दाना दे ये जम्मू कश्मीर दे डोगरे का मन नहीं करते जांदे। आम आदमी पार्टी जम्मू दे लोके कने है ये बीजेपी दी जिन मैं हमेशा गल करना। मैडम जी भारतीय जनता पार्टी जड़ी कुंज पेदी है ना उंदे दिमागा विच भी कुंज है उंदे गल्ले विच भी कुंज है मुंह पर कुंज है और जम्मू दे लोके से कुंज कड्डनी है बीजेपी दी संगी नहीं दी है ना बीजेपी जम्मू मुक्ति तो सवाया करना जम्मू कश्मीर दे विच दा ते तो उस के मंदियो की बीच 5 लाख जड़े वोटर ऐड होए ठीक है। बिल्कुल अस बिल्कुल गलत मनने सी क्योंकि अस जम्मू दे लोके कने है जम्मू दे लोके खिलवा नहीं होंदे के क्या बाहर दे लोग आनी ते वोट मांगन ते बाहर दा एमएलए बनगन थानी है लेकिन अस जम्मू दे लोके ते बर्दाश्त नहीं करके जम्मू दे लोके जब जम्मू दे दे आम आदमी पार्टी और सारे जिन्ने भी लोग लीडर सारे थाए थे अस अपनी जान भी कुर्बान करने की लोके कने जम्मू दे लोके कने। ये थे गगन प्रताप जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, और आपको बता दें कि यहाँ पर पहुंचे थे लेकिन यहाँ पर मंजर जो है वो साइलेंटली चल रहा था, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। अचानक ही आम आदमी पार्टी के लीडर यहाँ पर आ रहे हैं जिसमें गगन प्रताप जी हैं और आपको साथ साथ में बता दें हरदेव सिंह जी हैं, टोनी जी हैं, बोधरा शर्मा जी हैं यहाँ पर पहुँचते हैं और उसी के बाद में निर्वाचन भवन में भाजपा हाय हाय के नारे के बाद जो है ये यहाँ पर शुरू होता है। उसके बाद बातचीत हुई वो भी आपने सुनी। आपको क्या लगता है क्या ये जो रेशो है इस रेशो को लेकर जो है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रही हैं, आपकी क्या राय है क्योंकि आप लोग भी जो है वो वोट डालने वाले हैं, आपको क्या लगता है? तो ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन। आशा खान से तलाक।